500 ट्विटर अकाउंट पर रोक। किसान आंदोलन के बीच भ्रामक और भड़काऊ विषय वस्तु का प्रसार रोकने के लिए 500 ट्विटर अकाउंट पर रोक लगा दी गई है। कुछ ब्लॉक भी किए गए हैं। ट्विटर ने कहा, सरकार के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता व मीडिया के अकाउंट बंद नहीं किए गए हैं, क्योंकि ऐसा करना अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार का उल्लंघन होगा। सरकार ने ट्विटर से ऐसे 1178 अकाउंट पर रोक लगाने को कहा जिसका जुड़ाव पाक या खालिस्तानी समर्थकों से साथ है। किसान आंदोलन के बीच भ्रामक और भड़काऊ विषय वस्तु को लेकर जिस प्रकार सरकार ने रोक लगाने के लिए ट्विटर को मैसेज भेजा है, उसमें से 500 ट्विटर अकाउंट बंद भी किए जा चुके हैं। लेकिन यह एक अभिव्यक्ति के आज़ादी के खिलाफ है, क्योंकि सबके पास खुद अपनी आवाज़, अपना मत रखने की आज़ादी संविधान के अनुसार सबको मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने जिनका अकाउंट बंद हुआ है उनको खालिस्तानी और पाकिस्तानी बोला है, यह एक सरकार के मंसूबे को भी कहीं भी शोभा नहीं देता है, क्योंकि वो भी भारत के ही हैं। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों के विचार गलत हों, लेकिन फिर भी राजनैतिक तौर पर अगर कोई किसी पार्टी के विपरीत है तो वो गलत नहीं हो सकता। हाँ, उसकी विचारधारा के विपरीत जरूर हो सकता है, लेकिन संविधान के खिलाफ वो अपनी अभिव्यक्ति, अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी, जो बोलने का अधिकार है, उसके बिल्कुल पक्ष में है और वो कतई गलत नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग सरकार की मंशा पर भी लगातार ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लोगों को आवाज़ उठाते हुए देख रहे थे। तो ये हम कह सकते हैं कि सरकार एक नए तरीके से किसान आंदोलन को कमज़ोर करना भी चाहती है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा किसान आंदोलनकारी ऐसा बार बार कह रहे हैं कि सरकार ये सब अकाउंट, जो ट्विटर अकाउंट है, इसको बंद कराकर हमारे आंदोलन को कमज़ोर करना चाहती है, क्योंकि वो हमसे डर गई है। हालांकि इस बात को हम इतने गंभीरता से और सही रूप से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो दुष्प्रचार करके दंगा भड़काना भी चाहते हैं। तो इस हिसाब से हम देखें तो 500 ट्विटर अकाउंट अब तक रोक दिए गए हैं, जबकि सरकार के अनुसार 1178 अकाउंट पर रोक लगाने के लिए ट्विटर को बताया गया था, लेकिन अब तक 500 ट्विटर अकाउंट पर ही रोक लगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं किसान आंदोलन में किस प्रकार नए उतार चढ़ाव हो रहे हैं। और 18 तारीख को, चूँकि 18 तारीख को रेल रोको का नारा भी किसानों ने दिया है, और राकेश टिकैत भी इस नारे के बिल्कुल पक्षधर हैं, जो कि अभी किसानों के प्रमुख उभरे हुए नेता के तौर पे मीडिया के सामने और इस देश के सामने किसानों के बहुत बड़े हितैषी के रूप में उभरे हैं। हालांकि सरकार इन्हें भी, इस तमाम किसान के संगठनों को भी खालिस्तानी और पाकिस्तानी का नाम देने में लगातार जुटी है, लेकिन यह कहीं भी एक लोकतांत्रिक तरीके से अच्छा नहीं है, क्योंकि यह किसान ही इस देश को अनाज देता है तो पूरा देश खाता है। जय हिंद।